watch out if you ignore me so bro. तो अगली वीडियो में जो हमने इसको कंप्लीट फिट कर दी थी अपनी बॉडी किट और जो सारे पैनल जो इंस्टॉल कर दिए थे, अब जो हम इसमें जो वाइजर अपना यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, तो जो अपना ये वाला पैनल को जो खोलेंगे यहाँ पर जो दो तीन होल होंगे, उसके बाद जो अपना ये वाइजर इंस्टॉल होंगे और फिर जो है आज DRL लाइट और जो है प्रोजेक्टर ये सब जो इसमें कंप्लीट इंस्टॉल कर देंगे। तो अभी जो हमने यहाँ पर एक और यहाँ पर एक होल कर लिया है और जो अजू एक यहाँ पर करना है, उसके बाद जो अपना ये वाइजर है उसके भी जो यहाँ पर साइड पे से जो है कट कर लिया, उसके बाद जो अब इसको जो है इंस्टॉल करेंगे। तो अभी जो हमने यहाँ पर जो है वाइजर कंप्लीट इंस्टॉल कर दिया है, मुझे यहाँ पर दो होल करे हैं, उसके बाद जो अपना वाइजर कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। इसमें यहाँ पर लाइट जो है इंस्टॉल करेंगे, तो हमने जो ये वाली लाइट मंगाई है तो इसकी भी लिंक आप जो है नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है मंगा लेना। ये जो ब्लू कलर की है इसको जो अब इंस्टॉल करेंगे। ये जो अपना डैशबोर्ड कवर है इसको भी जो है ब्लैक करेंगे और जो है यहाँ से जो इसको कट कर देंगे, उसके बाद जो इसको इंस्टॉल करेंगे। Yeah, I got the juice like a snow cone. Short like Frodo. Hey, activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime. तो अभी जो हमने इसके डैशबोर्ड कवर पे भी जो है ब्लैक जो है रेडियम मार दिया है। अब जो इसको इंस्टॉल करेंगे, अपना वाइजर भी लग गया है, यहाँ पर जो LED लाइट भी लग गई। अब जो अपना प्रोजेक्टर लगाने का बाकी। अभी जो है वाइजर और जो अपनी DRL लाइट जो है अंदर फिट कर दी है और जो है यहाँ पर जो अभी हेड फिट करा है, क्योंकि जो है अपनी जो यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट लगानी है जो कि मेन लाइट होंगी अपनी, तो वो चेक करने के लिए जो है हमने अभी जो है डैशबोर्ड कवर नहीं लगाया, अभी जो अपनी दो प्रोजेक्टर लाइट लगाएंगे। तो इसमें जो है हम प्रोजेक्टर और लाइट अपनी KZ-13 इंस्टॉल करेंगे, ये वाली प्रोजेक्टर लाइट इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो अभी जो हमने दोनों अपनी जो है प्रोजेक्टर कंप्लीट इंस्टॉल कर दी है MCL से, तो अभी जो अपना कंप्लीट प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो गई है। अब जो अपने डैशबोर्ड कवर इंस्टॉल करेंगे और जो उसकी वायरिंग करेंगे आगे की लाइट की और जो DRL लाइट की, उसके बाद जो है कंप्लीट अपनी हो जाएंगे R1M। तो ये सब करते उसके बाद मिलते हैं। तो अभी जो हमने सारे स्पेयर पार्ट कंप्लीट फिट कर दिए और जो अपना डैशबोर्ड कवर भी जो है ब्लैक हो गया है, जो है कुछ ऐसा दिखता है, जो इसकी वायरिंग भी जो है कंप्लीट हो गई है आगे की लाइट की, वो जो है अपने इसके साथ है, ये स्विच के साथ जो है पहले पे जो है अपनी LED लाइट सी लगती है ये वाली, और जो उसके बाद जो है लास्ट में जो है अपनी प्रोजेक्टर सी लगती है। तभी जो इसको चालू करते हैं। अभी जो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो अपनी जो है DRL लाइट ऑन होएंगी। उसके बाद जो तीसरी इसमें जो है अपनी LED लाइट, और जो अपनी यहाँ पर जाल भी जो है फिट कर दिया उसको भी जो है ब्लैक कर दिया है। तो अभी जो हमने सारे स्पेयर पार्ट और कंप्लीट फिट कर लिया है, अपना जो डैशबोर्ड ने सब कंप्लीट हो गया है, हमने जो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 सब कंप्लीट उतारे हैं, सारे पार्ट उतारे हैं। इसका जो हमने कलर करा था वो और जो है डैशबोर्ड को जो है फिट करा था, सारे वीडियो उतारे हैं, तो वो सब जाके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो।